गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये हम क्लास टेंथ की सीरीज चला रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। तो कल हमने इसमें बात की थी रेस्पिरेशन की, उसमें हमने थोड़ा सा डिफ्यूज़न भी पढ़ा था। गाइस कल बाय मिस्टेक मुझसे डिफ्यूज़न में थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया था फ्लो में कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाई से लो की तरफ होता है। मैं आज आपको ये पूरा कन्फ्यूज़न जो है क्लियर कर दूंगी। कल के लिए सॉरी गाइस कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया। और बताइए कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ पर बात की थी कल तक, आई होप कि आपने कल की सारी वीडियोज़ देख ली होंगी जितनी भी मैंने अब तक अपलोड की हैं। और हाँ, मैंने आज ही मॉर्निंग में सुबह एक सेशन और अपलोड किया है, उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। क्या बताएं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही। आप उसको जा कर के देख लीजिए और वो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए उनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि उसको जब आप पूरा ही अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ें तो आपको ईजिली सारा समझ में आ जाए, ठीक है। आप पहले उनको सेशन को जाके देखिए उस वाले को, और उसके जो जितने भी मैंने सारे क्वेश्चंस बताए आप उनको सबको नोट कीजिए एक कॉपी में, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और जब आप अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर खोल के बैठे तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। कल मैंने आपको पूरा रेस्पिरेशन का पूरा बताया था, ट्रैक किया क्या होता है, और जो जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इसमें से सांस अंदर आती है, पैसेज है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, नेसल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से सांस अंदर आती है, यहाँ फेरिंग्स में जाती है, यहाँ पे लैरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स से कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है। ये जो है ये वाला पूरा ये विंड पाइप है। विंड पाइप के पीछे की तरफ क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस में आप सबको पता है क्या, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो आप आई होप कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली पूरी वीडियो देखी होगी और आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको अच्छा ये बताइए, कल मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो ये बताइए कि लंग्स की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, मतलब उस लेयर का नाम क्या होता है, और वो थिक होती है या थिन होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। वेरी गुड, वो थिन होती है, और क्या बोलते हैं प्लीउरा, क्या बोलते हैं उसको, प्लीउरा। चलिए ये भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ये आपने सब कुछ देख लिया होगा, है ना। मैंने फैगोसाइटोसिस पढ़ाया था पूरा अमीबा का। चलिए आगे बात करते हैं, कहाँ हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए अब हम रेस्पिरेशन में बात करते हैं। मैंने आपको कल सब कुछ बताया था प्लीउरा क्या होता है, और हमारे जो लंग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक थोरेसिक कैविटी में रहते हैं, और उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, उनको रिब केज प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। देखिए रेस्पिरेशन सिंपली क्या होता है, कल पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफ्यूज़न के बारे में बता देती हूँ। कल जो थोड़ा था वो कन्फ्यूज़न हो गया था और मैंने थोड़ा गलत भी बोल दिया था फ्लो में, तो पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको, फिर हम आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज की बात करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पूरा डिफ्यूज़न का मेथड है, ठीक है। चलिए देखिए यह है हमारा, हम पहले थोड़ा सा डिफ्यूज़न समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए डिफ्यूज़न क्या है, अब हमने क्या किया, एक ड्रॉप इंक की ली, देखिए इसमें एक ड्रॉप ये हमने इंक की ली, ये हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है मैम। अब इसके बाद ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ अब देखिए ये जब हमने इसको इसमें वाटर में डाला, हमने ये देखिए ये वाटर में डल गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंक ज़्यादा है, इंक ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक का जो है वो हायर कंसंट्रेशन है। इंक के मॉलिक्यूल्स का कैसा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। कल यही थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, इंक का हायर कंसंट्रेशन है। अच्छा इंक का हायर कंसंट्रेशन है तो अब क्या होगा, ये जो वाटर, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इनका लोअर कंसंट्रेशन है, क्योंकि इंक एक ही जगह इकट्ठी हुई भी है, तो उसका मॉलिक्यूल्स का कैसा होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा। अब इसके बाद देखिए, अब डिफ्यूज़न की प्रोसेस में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो ये हायर कंसंट्रेशन में, तो अब कहाँ जाएंगे, ये लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, वाटर की तरफ सारे मूव करेंगे ना, वाटर की तरफ सारे मूव, तो ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। आगे बच्चों इतनी बात समझ में, तो अब हमारा डिफ्यूज़न का क्या है मेन, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सारे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ऐसे ही पूरा जो डिफ्यूज़न हमारा है, ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है डिफ्यूज़न का ही। आगे चलिए एक डायग्राम और देख लेते हैं, इसको पूरा कैंसिल कर देते हैं।
ये देखिए बच्चों, इसमें एक डायग्राम और है, ये इसमें क्या है, इसमें भी हमने यही करा, इसमें क्या करा हमने, इसमें इंक लिया, इंक का एक ड्रॉप हमने वाटर में डाला, वाटर में डाल के क्या हुआ है, वाटर में डाल के हुआ है कि इसके जो इंक थे वो मॉलिक्यूल्स कैसे थे, हायर कंसनट्रेशन थे, है ना, हायर कंसनट्रेशन से ही लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करके अब इन्होंने क्या करा, पूरे में ये फैल गए, पूरे में फैलने के बाद क्या हुआ, ये पूरे में फैल गए, अब क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया। डिफ्यूज़न का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। आगे इतनी बात समझ में आई, होप आपको आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बच्चों एक मिनट, मुझे थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ा क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, इस वजह से, बस आप एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब ठीक है, अब मैंने कैमरा सेट कर लिया तो मुझे लिखने में ईजी रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया अब तक आपको, मैंने पूरा डिफ्यूज़न बताया, डिफ्यूज़न में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन, आज बस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसके लिए, सॉरी। देखिए हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, अब बस आप इतना ध्यान रखिए, अब हम रेस्पिरेशन और गैसेस की तरफ मूव करते हैं। देखिए हम इसमें समझ लेते हैं थोड़ा, पहले हम एल्वियोलाई समझते हैं। देखिए एल्वियोलाई क्या था, मैंने आपको पूरा बताया था कि हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है, हमारे पूरे नेसल पैसेज में जाती है, फिर हमारे यहाँ विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से लंग्स में जाती है, लंग्स में किसके थ्रू जाती है, ट्रैकिया के थ्रू जाती है। अच्छा ट्रैकिया किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज का इसलिए बना होता है क्योंकि जब एयर अंदर ना आए तो वो कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स का मतलब ऐसे बंद ना हो जाए, ऐसे ही रहे वो, तो ठीक है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि सांस जाती रहे कार्टिलेज का। और कार्टिलेज क्या होता है, देखिए कार्टिलेज होता है, बोन तो हमारी हार्ड होती है लेकिन आप अपना ईयर छू के देखिए, बोन का सॉफ्ट पार्ट क्या होता है, कार्टिलेज होता है। ये देखिए जैसे बोन है, है ना, ईयर है हमारा, कार्टिलेज का बना है, ऐसे ही हमारा जो होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है या ट्रैकिया होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद किस में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, पूरा समझाया था मैंने। चलिए मैं एक बार डायग्राम ले लेती हूँ, पहले पूरा उसको रिकॉल करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये पूरा मैंने समझाया था, आई होप कि आपको पूरा याद होगा, अगर नहीं है याद तो आप प्लीज़ करके उसको जा करके देखिए मेरी पुरानी वाली सारी वीडियोस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया था मैंने, इसमें बताया था, ये देखिए इसमें बताया था, ये देखो कार्टिलेज का बना हुआ है पूरा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये कहाँ पर आई, ये ब्रोंकाई में आई, ब्रोंकाई से किस में आती है, देखो ब्रोंकाई होता है प्लूरल और ब्रोंकस होता है सिंगुलर, किस में आई है, ब्रोंक्योल्स में आई है। देखिए ब्रोंक्योल्स में आ गई आगे, फिर ब्रोंक्योल्स से आ गई ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किसे बोलेंगे, हम प्लूरल को बोलेंगे, और एल्वियोलस किसे बोलेंगे, हम सिंगुलर को बोलेंगे। आगे इतनी बात समझ में, चलिए आपको सब बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे एक सेल होगा, होगा सेल, सेल में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल किसको यूज़ करता है, O2 को यूज़ करता है और ग्लूकोज को। ग्लूकोज आपको सबको पता ही है कहाँ से आया, ग्लूकोज आया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ से आया। ठीक है अब आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस O2 मिलके क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, CO2। अच्छा एक बात है, जब हम सांस ले रहे हैं तो O2 कहाँ पे आ रही है, हमारी एल्वियोलाई में आ रही है O2 तो एल्वियोलाई में आ रही है ना हमारी। अच्छा तो मैम ये O2 जो एल्वियोलाई में आ रही है ये यहाँ तक कैसे पहुँची सेल तक, क्योंकि सेल में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो है ना O2 प्लस ग्लूकोज कहाँ मिल रहे हैं, सेल में मिल रहे हैं, तो ये सेल तक कैसे पहुंची, यही तो पूरा हमें पढ़ना है कि सेल तक कैसे पहुंची। जैसे कि यहाँ पे कोई एक सेल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 और प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बना रहे हैं ग्लूकोज मिलके CO2 बना रहे हैं और एनर्जी बना रहे हैं। अच्छा ये वाली CO2 भी CO2 सेल में बन रही है, सेल से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी। एल्वियोलाई में क्यों जाएगी, क्योंकि CO2 हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, अगर वो हमारी बॉडी में रही तो हमें नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई से फिर कहाँ जाती है, यहाँ ट्रैकिया तक जाके नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सहेलेशन करना। सांस ली हमने, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन हमने सांस छोड़ी। आगे इतनी बात समझ में, चलिए तो अब हमें यही पढ़ना है कि O2 सेल से एल्वियोलाई तक कैसे जाती है, सॉरी एल्वियोलाई से O2 हमारे सेल तक कैसे आती है, और सेल में जो CO2 बनती है वो एल्वियोलाई तक कैसे जाती है। आगे अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम मैं एक आपको डायग्राम दिखा देती हूँ एल्वियोलाई का, उसके बाद हम उसमें सारा अपना प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे NCERT पे। चलिए ये क्या है हमारा पूरा एल्वियोलाई, क्या है ये हमारा पूरा एल्वियोलाई है। ठीक है एल्वियोलाई में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए एल्वियोलाई में ये क्या है, ये जो ब्लू वाला ब्लड आ रहा है पूरा, ये ब्लू जो आ रहा है
ये क्या है, इसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, जिसमें ये ब्लू ब्लड होता है कि इसमें ऑक्सीजन अभी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको क्या बोल देते हैं, जो रेड ब्लड होता है उसको क्या बोल देते हैं, उसमें हम बोल देते हैं कि उसमें ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन रिच होता है उसको वो रेड ब्लड से हम शो करते हैं, किस क्यों करते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसमें O2 नहीं है उसको हम किससे शो करते हैं, उसको बच्चों हम ब्लू से शो करते हैं। आ गई आपको इतनी बात समझ में, आई होप आपको आ गई होगी। तो चलिए अब मैंने क्या बताया, देखिए जब हमने सांस ली, सांस में क्या जा रहा है हमारे अंदर, O2 जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी गैसेस जा रही हैं लेकिन हमें तो O2 की नीड है। O2 की नीड क्यों है मैम, क्योंकि O2 की नीड बच्चों हमें इसलिए है क्योंकि क्या हो रहा है, सेल में हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 को, सेल को ज़रूरत है O2 की, ठीक है। चलिए O2 को ज़रूरत है, सेल को O2 की नीड है, तो इसलिए O2 की हमें नीड है, इसलिए हम जो सांस लेते हैं O2 आ गया। O2 कहाँ आ गया, एल्वियोलाई में आ गया। अच्छा आप एक बात और, आप डिफ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। डिफ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट क्या था, हायर से लोअर की तरफ। अच्छा जो हमारा O2 है वो कहाँ आएगा, वो एल्वियोलाई में आएगा। एल्वियोलाई के बाहर तो कैपिलरीज हैं, मैंने बताया था कैपिलरीज कहाँ होती हैं, कैपिलरीज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं, आपको आई होप कि याद होगा। कैपिलरीज कहाँ होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती हैं। कैपिलरीज जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, वही तो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वहाँ कैपिलरीज लगी होती हैं। और कैपिलरीज ही पूरी हमारी बॉडी में जाती हैं, जिससे हमें पूरा फूड मिल जाता है और पूरे जितने भी जो प्रोटीन्स अमीनो एसिड में चेंज हुआ होता है वो सब मिल जाता है। इसलिए एल्वियोलाई भी पूरा कैपिलरी से देखो पूरा ढका होता है, ये देखो पूरा जेल लाइक स्ट्रक्चर से उन्हें पूरा ढक रखा है। अच्छा सांस कहाँ आई हमारी, O2 कहाँ आई, हमारी एल्वियोलाई में आई। एल्वियोलाई में अब O2 का क्या है, हाई कंसंट्रेशन है बच्चों, हाई कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कैसा है हमारा, हाई कंसंट्रेशन है O2 का। तो जब हाई, हमने डिफ्यूज़न पढ़ा था हाई से लो की तरफ जाएगा, तो O2 अब कहाँ जाएगी, कैपिलरीज में अभी O2 नहीं है, तो कहाँ जाएगी, हाई से लो की तरफ जाएगी। देखो अब ये एल्वियोलाई बनाई है मैंने, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में O2 नहीं है, ब्लू वाली की बात कर रहे हैं जिसमें O2 अभी नहीं है। तो जब हाई से लो की तरफ जाएगी तो एल्वियोलाई में तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो एल्वियोलाई में जब बहुत सारी ऑक्सीजन है तो वहाँ पे हाई है, तो हाई से वो कैपिलरीज में निकल के लो की तरफ जाएगी, और ये वाली कैपिलरीज क्या करेंगी, यही वाली कैपिलरीज सेल की तरफ ले जाएंगी। आ गई इतनी बात समझ में, यही वाली कैपिलरीज क्या करेंगी, सेल की तरफ ले जाएंगी। अच्छा अब सेल में चले गया हमारा ऑक्सीजन, सेल में क्या हो गया, पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 हुआ, O2 प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, CO2 प्लस एनर्जी बनी। अच्छा तो CO2 बनेगी वो कैसे जाएगी, अब बात करते हैं हम सेल की। सेल में क्या होता है, देखिए सेल में हो गया हमारा O2 प्लस ग्लूकोज को मिलकर CO2 प्लस एनर्जी निकली। अब वहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, CO2 का सेल में कंसंट्रेशन हाई है, तो वो किस में जाएगा, वो इस वाली कैपिलरीज में जाएगा। कैपिलरीज में अभी क्योंकि CO2 नहीं है, वहाँ तो O2 है, तो CO2 का क्या है वहाँ पे, कंसंट्रेशन हाई है सेल के अंदर, तो सेल से कहाँ आ जाएगी, CO2 कैपिलरीज में आ जाएगी, और कैपिलरीज कहाँ ले आएगी, एल्वियोलाई तक ले आएगी, और एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगी नोज़ के थ्रू। आगे इतनी बात समझ में, चलिए अब थोड़ा ईजी समझते हैं। देखिए क्या हुआ, पहले हमने सांस ली, नोस्टिल से सांस ली, अंदर गई नेसल पैसेज से, गई विंड पाइप में आई, विंड पाइप से हमारे ब्रोंकिया आई, ब्रोंकियोस और एल्वियोलाई में चली गई। आगे इतनी बात समझ में, एल्वियोलाई तक। अब एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, एल्वियोलाई जो है पूरा, एल्वियोलाई जैसे ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, इसमें पूरा ये क्या हो रहा है, जाल लाइक स्ट्रक्चर कैपिलरीज का है, जिसमें O2 रिच भी कैपिलरीज हैं, जिनमें O2 है और जिनमें नहीं है उसमें भी है, ठीक है, उसमें भी है, जिसमें नहीं है। अब कैपिलरीज में क्या है, अभी जिसमें O2 नहीं है वो क्या करेंगी, उसमें O2 चला जाएगा, क्योंकि O2 का हायर कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में, और डिफ्यूजन कहता है हाई से लो की तरफ, तो एल्वियोलाई से O2 निकल के कहाँ जाएगी, ऐसे निकल के उस वाली कैपिलरीज में जाएगी, कैपिलरीज से सेल में चली जाएगी। यहाँ पे सेल है, सेल में क्या बन रहा है हमारे, सेल में O2 बन रहा है, O2 प्लस ग्लूकोज को मिलके क्या बन रहा है, CO2 और एनर्जी हो रहा है। तो CO2, अब CO2 कहाँ जाएगी, यहाँ पे भी सेल को पूरा कैपिलरीज ही है, तो CO2 कहाँ चली जाएगी, कैपिलरीज में चली जाएगी, जहाँ पे CO2 नहीं होगी, और वाली कैपिलरीज वापस एल्वियोलाई में ले आएगी और हम नोज के थ्रू से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अच्छा, एक मिनट में कितनी बार कर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं हम? 15 to 18 टाइम्स। देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ये वाला प्रोसेस, 15 to 18 टाइम्स हो रहा है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, पूरा एल्वोलाई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आ गया। अब आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और कुछ अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी। आज बस इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई, आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी मैं रेस्पिरेशन जो भी रहा होगा, जैसे कि कितने परसेंट गैस अंदर आती है, कितने परसेंट बाहर जाती है, वो सब मैं आपको कल को बता दूंगी। आप इतने ये वाला समझिए, और आप वो वाली वीडियो मेरी ज़रूर जाके देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए मैंने। और हाँ, एक बात और, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, अगर आप कहेंगे मुझसे कि जो मैम आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उनको भी एक रिविज़न सीरीज़ स्टार्ट कीजिए, तो मैं उनकी भी एक रिविज़न सीरीज़ पूरी स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आप उनके नोट्स बना सकें और बोर्ड में जाने से पहले उन सबको पढ़ सकें। और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? चलिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, और मास्क ज़रूर पहन के निकलिए अगर आपको बहुत ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना होगा। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। चलिए।